Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Abhi Kutwal. You are watching my channel Bhadrawai Boy. तो दोस्तों, बड़े टाइम के बाद आज सोचा, थोड़ा सा मन कर रहा था व्लॉग अपलोड करने का. मेरा डेली रूटीन मैं बता दूंगा आज आपको क्या है डेली रूटीन मेरा. तो अभी शुरू होते हैं हम गाइस 6 बजे से. 6 बजे अभी मैं उठा था 6 बजे, तब मैंने व्लॉग शूट नहीं किया. बट अभी 7 बज रहे हैं, तो मतलब 7 बजे के टाइम पे मैंने अभी 6:30 बजे मोटर लगाई थी, और आधे घंटे मैंने मोटर लगाई तो मोटर से पानी पूरा भर दिया है. तो सबसे पहले जब मैं सुबह उठा, मैंने ब्रश किया, मैंने थोड़ा सा हाथ मुँह धोए, एंड आफ्टर दैट मैंने क्या है मोटर लगा दी. अब मोटर से पूरी ऊपर टैंकीज वगैरह भर गई हैं. अब मैंने मोटर बंद कर दी और अब मैं ऊपर जाता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि आज मेरे दिन में मतलब क्या क्या होगा, मेरा डेली रूटीन कैसा रहेगा. तो स्टे ट्यून्ड विद अस. तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है. ये देखो गाइस, ये यहाँ पर कैसे घोड़े बेचकर अभी तक सोया हुआ है. स्कूल इसका 9 बजे स्टार्ट होता है और अभी 7 बजे तक सोया हुआ है. तो अब हम पहले इसको उठाते हैं. ओए आदिक, आदिक उठ जा, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है. उठ जा आदिक, ओ आदिक उठ जा, आदिक उठ जा, आदिक आदिक स्कूल जाना है. उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा ऊपर. क्या ठंड लग रही है? तो जैसे कि आप सब जानते हो, हर घर की एक छोटे मतलब जो भी लड़का होता है घर में, या कोई मतलब छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा तो नहीं मैं मतलब जो भी होता है मतलब छोटा, बड़ों से छोटा समझ आओ यार, उसको बॉटल्स भरने का काम होता है. तो मेरा काम भी अभी शुरू हो रहा है ये बॉटल्स भरने का. अभी मैं जाता हूँ बॉटल्स भरता हूँ. भाई स्कूल में हमें बोला था कि अपना आइडेंटिटी कार्ड को लेमिनेशन करा के और उसके ऊपर वो लगा के नॉट जैसा लगा के अपने साथ सब बच्चों को होना चाहिए वो आइडेंटिटी कार्ड. विदाउट दैट एंट्री वो नहीं देंगे. बट मेरा वो आइडेंटिटी कार्ड कहीं गुम हो गया है, दैट्स वाई मैं अब जाऊंगा स्कूल. अगर दे दी एंट्री तो सही है, नहीं दी तो फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा या मुझे डुप्लीकेट इशू कराना पड़ेगा. बट बहुत मुश्किल है, वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया यार. मैंने लिया तो था स्कूल से, बट आई डोंट नो कहाँ गुम हो गया वो. और आज वो 20-20 रुपीज़ भी जमा कराने हैं, वो गवर्नमेंट ने वो मतलब कुछ लाया है ना वो, कि हर घर तिरंगा फैलना, हर तिरंगा मतलब होना चाहिए हर घर में. तो हर स्कूल में 20-20 रुपीज़ हमें देने हैं, और तिरंगा हमें स्कूल वाले दे देंगे. तो गाइस ये एक ना अच्छा इनिशिएटिव लिया है हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने, कि हर घर में मतलब तिरंगा होना चाहिए. तो बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लगा मुझे ये, क्योंकि मतलब इंडिया में रहकर इंडिया का झंडा होना चाहिए यार, हर घर में होना चाहिए. तो आई लव दिस इनिशिएटिव व्हिच इज़ टेकन बाय आवर इंडियन गवर्नमेंट. गाइज मन ही नहीं लगता यार, आपका सपोर्ट ही नहीं आ रहा है. आपका सपोर्ट होगा तो हम भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएंगे ना. आपका सपोर्ट, आप सपोर्ट करो हमें, और आप हमें सपोर्ट करो, हम आपको कंटेंट देंगे यार. आप सपोर्ट नहीं करते फिर मन खुद भी मन नहीं करता यार वीडियोस अपलोड करने का, कोई कंटेंट अपलोड करने का, कोई कंटेंट ढूंढने का. आप हमें सपोर्ट करो, हम आपको वीडियोस देंगे. देखो कब से मैं उसको उठा रहा हूँ और वो उठ नहीं रहा है. एक सेकंड मैं फिर से दिखाता हूँ. अभी तक वो नहीं उठा है. मैंने पानी भर दिया, आपके साथ इतनी बातें कर ली और वो अभी तक नहीं उठा है. मैं दिखाता हूँ आपको. ओए उठ जा भाई, मम्मी बोल रही उठ जा, उठ जा मम्मी बोल रही, उठ जा उठ जा. तू इंसान है कि क्या है? ओए क्यों नहीं उठ रहा है तू, क्यों नहीं उठ रहा है? हैं गाइस, ये मेरी लास्ट यूट्यूब वीडियो भी हो सकती है, क्योंकि मतलब लास्ट वीडियो इन दी सेंस कि इसके बाद मैं शायद बहुत टाइम के बाद कोई वीडियो अपलोड करूं. अभी तो ये मेरी लास्ट वीडियो है, मतलब अभी मेरे एग्जाम्स हैं. एग्जाम्स के बाद मैं अब आगे फिर से ब्लॉगिंग या एनीथिंग एल्स जो भी कंटिन्यू करूँगा, पर अभी ये मेरी लास्ट वीडियो है. मैंने ऐसे शो के तौर पर आपके लिए एक वीडियो अपलोड करने का सोचा. मैंने कहा कि अभी एक वीडियो अपलोड कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा रीच और बढ़ जाएगा थोड़ा सा चैनल का अगर, तो अच्छी बात है. बाकी लव यू ऑल. हेलो सो गाइस, आई एम बैक. और अभी क्या है ना, अभी मैं जा रहा हूँ पहले दूध लेने. दूध लूँगा मतलब दुकान से, शॉप से दूध लूँगा, और उसके बाद मैं अपने छोटे भाई को स्कूल पहुँचाने जाऊँगा. एंड आफ्टर दैट मैं खुद तैयार होऊंगा और खुद स्कूल जाऊंगा. देखते हैं आज एंट्री मिलती है या नहीं. कोशिश तो करेंगे एंट्री मिलने के लिए, बाकी खुदा भरोसे. हाँ तो दूध चूध मैंने ला लिया, मैं छोटे भाई को पहुंचाने जाऊंगा उसके स्कूल. और देखो सन, अब सूरज अब थप्पड़ मार रहा है या किस कर रहा है वो तो मेरे को नहीं पता, बट कुछ ना कुछ तो है ये देखो. तो चलो देखते हैं अब आगे क्या क्या होगा हमारा दिनचर्या में. मैं आपको बताऊँगा, मैं अगर स्कूल चला गया ना इसके बाद तो मैं आपको सीधे स्कूल के बाद ही मिलूंगा, और अगर स्कूल नहीं गया तो फिर मैं बताऊंगा आपको क्या क्या हुआ स्कूल में. ओके गाइस लव यू ऑल. मैं अभी तैयार होता हूँ स्कूल के लिए, और आदि को पहले पहुँचाता हूँ. हाँ जी, तो गाइस अभी मैं और ये हमारे साथ हैं हाजिम भाई.
तो अभी हम आए मेरे छोटे भाई को स्कूल से लेने के लिए। तो ये है हमारा एसडीएम स्कूल, ये पुरानी वाली बिल्डिंग है, और नई वाली बिल्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखो नई वाली बिल्डिंग, तो वहाँ पे हमने पढ़ा। ये वाली बिल्डिंग छोड़ के हम आए हैं बॉयज़ में। अब गाइस ये देखो, ये है हमारा प्यारा सा ग्राउंड जहाँ पर हमारी आज से पहले बहुत सारी वीडियो शूट हुई है। तो यही ग्राउंड, मतलब हर हमारी जो भी अब नई वीडियो आती है वो सारी कैप्चर इस ग्राउंड में ही होती है। मतलब इस ग्राउंड में, मतलब एक ना एक जैसे फूल चढ़ाते हैं ना, वैसे इस ग्राउंड में भी हर एक वीडियो पे मतलब होता है, एक ना एक मतलब पोर्शन ऐसा आता है जिसमें ये ग्राउंड आपको दिखता है। तो अभी मैं ऐसे थोड़ा सा ग्राउंड में आया था, अब देखते हैं आगे क्या क्या होगा हमारे ब्लॉग में। आगे कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर के बाद। तो ओके बाय, लव यू गाइस, मतलब कीप वॉचिंग, आगे से पूरा ब्लॉग देखते रहो। देखते हैं अभी आगे क्या होगा, या ब्लॉग कब एंड होगा। मतलब यही था थोड़ा सा डेली रूटीन ही बताना था मैं आपको। अभी मैं स्कूल से वापस आ गया हूँ, तो छोटे भाई को भी लेने गया था पहले, और अभी बाद में आगे अगर कुछ होगा अच्छा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर देंगे। ओके गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। तो गाइस अभी मैं ग्राउंड में आया था और मैंने नीचे देखा ये आई लव किश्तवाड़ी कुछ अच्छा है, दिखाता हूँ मैं आपको। आई लव किश्तवाड़, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ मतलब लगी मुझे। मतलब जो किश्तवाड़ से प्यार नहीं करता ना, वो भी अब किश्तवाड़ से प्यार करने लगा, क्योंकि यहाँ पर ये बोर्ड लग गया आई लव किश्तवाड़ का। तो चलो बस इतना ही था मेरे ब्लॉग में, अभी मैं ग्राउंड में था। तो अभी मैं घर जाऊंगा, फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूंगा। ओके गाइस, लव यू ऑल, तो जुड़े रहना मेरे वीडियो के साथ। 5-6 महीने बाद एक और ब्लॉग मेरा नया आ जाएगा। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा। हमारे साथ अभी ये दो बंदे भी हैं, स्वयं भाई और ये राहुल जी। तो ये भी, इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया था। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ थोड़ा सा, एक लास्ट बार ये आई लव किश्तवाड़ क्या है, ये मतलब कैसा लिखा है। तो उसके बाद हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ओके गाइस, ये है आई लव किश्तवाड़, यहाँ पे लिखा है एमसी किश्तवाड़। एमसी किश्तवाड़ का मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एमसी किश्तवाड़ का मतलब क्या है। तो यहीं पे मैं करता हूँ इस व्लॉग को एंड। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ यार। मतलब एक से बढ़कर एक लाइक होना चाहिए, कमेंट होना चाहिए, एक से बढ़कर एक लाइक। तो जैसे मर्जी वैसे करोगे यार। चलो अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल, जुड़े रहना, आ जाएगी एक और वीडियो 5-6 महीने बाद।